क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 2। एक इस क्वेश्चन में एक हमें दे रखा है डायग्राम, ठीक है। इसमें क्या गिवन है, हमें ये जो डायग्राम बना हुआ दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और इसमें एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब ये जो गिवन है इसमें एक चीज़ और दे रखी है कि हमें बी ओ सी, देखो बी ओ सी 125 दे रखा है, और डी सी डी ओ, सी डी ओ ये 70 दे रखा है। तो ये दो एंगल दे रखे हैं, हमें क्या क्या निकालना है, डी ओ सी कहाँ है, डी ओ सी, डी ओ सी ये निकालना है, दूसरा निकालना है डी सी ओ, डी सी डी सी ओ, ठीक है ना, एक ही निकालना है, निकालना है यार ओ ए बी, ओ ए बी एक ये निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं इसे कैसे करें। देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमें एक बात पता है कि लीनियर पेयर क्या होती है, जो एक लाइन पर दो एंगल या दो से ज़्यादा बने तो उसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। अब देखो ये जो लाइन दिख रही है ना डी ओ बी, मैं इसका नाम दे दूँ डी ओ बी, ठीक है। अब इस लाइन पर क्या है, ये एंगल दे रखा है एक, तो कौन सा दे रखा, बी ओ सी दे रखा, बी ओ सी कितना रखा 125 डिग्री, और सी ओ डी ये निकालना मुझे, समझ में आया ना, सी सी ओ डी निकालना। तो मैं क्या लिखूं, मैं इसे यहाँ लिख ऐसे लिखूंगा, इन लाइन डी ओ बी, डी ओ बी इसमें क्या है कि दो एंगल बन रहे हैं ना, कौन से बन रहे हैं, एंगल डी ओ सी, डी ओ सी प्लस का एंगल सी ओ बी, ठीक है, या बी ओ सी, बी ओ सी लिख लो, बी ओ सी इजिकल टू 180 डिग्री एल पी से लीनियर पेयर, ठीक है। तो डी ओ सी मुझे निकालना है और ये मुझे दे रखा 125 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, डी ओ सी इजिकल टू 180 जहाँ है वहीं रहेगा, 125 प्लस के लीजिए तो इधर जाके माइनस के हो जाएगा, ठीक है। तो 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 2 गया 5, 1 से 1 0, ठीक है। तो डी ओ सी कितना निकल गया, ये आया 55, ठीक है। तो डी ओ सी मेरे पास एक एंगल निकल गया है 55 का, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं आगे, ये मैं यहाँ लिख लूँ 55 डिग्री, ठीक है। तो देखो इस ट्राइंगल में कौन से में, डी ओ सी में एक एंगल 70, एक 55, एक मुझे पता नहीं है। तो मैं क्या लिखूँ, इन ट्राइंगल डी ओ सी में, तो क्या है, एंगल डी प्लस का एंगल ओ प्लस का एंगल सी इजिकल टू 180 डिग्री, सम एंगल प्रॉपर्टी किसी भी ट्राइंगल में, सम एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो एंगल डी कितना है 70, एंगल ओ कितना है 55, एंगल सी निकालना है 180 डिग्री, ठीक। अब क्या करूँ, दोनों प्लस कर लूँ, ये कितना होगा 505 और 75 12, एंगल सी इजिकल टू 180 डिग्री, या एंगल सी इजिकल टू 180 माइनस का 125, ठीक है। 10 में से 5 गया 5 और ये कितना बच गया 7, 7 में से 2 गया 5, ये भी 55 आया, एंगल सी, लेकिन एंगल सी है कौन सा, ये एंगल सी ये वाला है, कौन सा, डी सी ओ, ठीक है, डी डी सी ओ, देखो डी सी ओ ये कितना है 55, ये भी निकल गया ना हमें। अब हमें ये भी मिल गया, यहाँ लिख लूँ मैं 55। देखो ये दोनों एंगल आपस में सिमिलर हैं, ये ऊपर बता रखा ना, ये दोनों एंगल आपस में सिमिलर हैं। तो देखो जब सिमिलर एंगल है तो ये साइड इसके बराबर हो गई, ये साइड इसके बराबर हो गई, और ये साइड इसके बराबर हो गई, ठीक है 55। या हम कहते हैं कि अल्टरनेट एंगल से क्या हो गया, देखो जेड बन रहा ना बन रहा है, जब दोनों सिमिलर हैं, देखो सिमिलर हैं तो दोनों एक जैसे होंगे ना, तो यहाँ पर हम अल्टरनेट प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। पर अब क्या हो गया कि अब हमारा ये हो गया, तुम्हारा कितना आ गया, ये 55 आ गया, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूँ इसमें,
कि यहाँ पे बी ओ ए बी, ओ ए बी, ये कितना आ गया 55। समझ आया ना, पूरा क्वेश्चन निकल गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।